बिटकॉइन तो काफ़ी फेमस हो चुकी है, अब एक नई करेंसी की बारी है, IOTA। जी हाँ, IOTA एक क्रिप्टो करेंसी है जैसे कि बिटकॉइंस है, पर वो अचानक से इतना फेमस क्यों हो गया? चलिए पता करते हैं। पिछले महीने IOTA फाउंडेशन ने 2 महीने का एक डेटा मार्केट प्लेस प्रोग्राम अनाउंस किया था, जिसमें 5 कॉरपोरेट कंपनियों ने पार्टनरशिप की है, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट, वोक्सवागन, सैमसंग, सिस्को सिस्टम और फिजित्सु। तो इन 5 कंपनी के कोलैबोरेशन की वजह से IOTA क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में 4थे स्थान पर आ गई है। IOTA का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसे इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि कोई भी डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है और डेटा कलेक्ट और एक्सचेंज कर सकती है अपने सेंसर्स के जरिए, जैसे कि कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, माइक्रोचिप्स और भी कई सारे डिवाइसेस हैं। तो IOTA को बिटकॉइन से बेहतर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि IOTA ब्लॉकचेन यूज़ ना करके खुद की एक एल्गोरिदम यूज़ करता है। IOTA को बिटकॉइन की तरह माइन नहीं करना पड़ता है। IOTA ब्लॉकलेस टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, यानी कि IOTA के नेटवर्क पे कोई भी ट्रांजेक्शन कोई भी पर्सन कर सकता है बिल्कुल फ्री। पर बिटकॉइंस में ट्रांजेक्शन फ्री नहीं है, आपको पे करना पड़ता है। IOTA जिस प्लेटफॉर्म पे काम करता है यानी कि टैंगल, उसमें यह फ़ायदा है कि कोई भी मिडिलमैन या माइनर नहीं है, जिससे कॉइन्स को ख़रीदना और बेचना काफ़ी फास्ट हो गया है अगर आप बिटकॉइन से कंपेयर करें तो। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स है और वो 5 कंपनियों की पार्टनरशिप जो IOTA को बिटकॉइन से आगे ले जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने IOTA की एक कॉइन की कीमत 22.46 रुपये की थी, जो कि अब 256.66 रुपये हो चुकी है। अगर आप इंडिया में IOTA ख़रीदना चाहते हैं तो आप कॉइन स्पॉट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से ख़रीद सकते हैं, या फिर विट फाइनेंस मल्टी कॉइन एक्सचेंज से ख़रीद सकते हैं, या फिर बिनांस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से आप ख़रीद सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने IOTA को जितने शॉर्ट में समझा सकता हूँ समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।